खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। सुबह 10 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण की शुरुआत करेंगी। आम बजट में अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ किसानों, पानी और आधारभूत संरचना को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। बजट में टैक्स देने वालों को एटीसी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट बढ़ाकर 2 लाख तक हो सकती है। बजट में एटीडी के तहत स्वास्थ्य बीमा कराने पर मिलने वाली 25,000 रुपए की छूट में भी मामूली बढ़त हो सकती है। होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की छूट में भी मामूली बढ़त का ऐलान हो सकता है। बजट में 10 से 15 साल के लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री बॉन्ड का ऐलान भी किया जा सकता है। एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए उसके निवेश को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जा सकता है, यानी उससे मिली रकम पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती हो सकती है, यानी ये सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के आयात पर लगने वाला शुल्क घटाया जा सकता है। बजट में पीएम किसान योजना के लिए बड़ी रकम का ऐलान हो सकता है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हो सकती है। शहद उत्पादन को 11,500 टन से बढ़ाकर 23,000 टन तक करने की योजना का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट में स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत योजना के लिए और रकम दी जा सकती है। देश में चल रहे जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का ऐलान भी संभव। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नदियों को जोड़ने की योजना के लिए 200 से 500 करोड़ का बजट हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रक्षा बजट में 6 से 7 फीसदी की मामूली बढ़त हो सकती है। रक्षा सौदों को पूरा करने के लिए जरूरी रकम का प्रावधान करेगी सरकार। रेल बजट में रेलवे सुरक्षा फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के लिए 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो सकती है। अभी दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत की तरह दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेन शुरू हो सकती है। 2022 तक सभी स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा देने की योजना का ऐलान संभव है। बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश के विकास की रफ्तार 7% रहने का अनुमान। 2018-19 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रही है। आर्थिक सर्वे में 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, लेकिन इसके लिए जीडीपी वृद्धि दर लगातार 8% पर रखनी होगी। 2018-19 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। 2018 में यह 6.4% था। आर्थिक सर्वे में भविष्य में गंभीर जल संकट की ओर इशारा किया गया है। 2050 तक भारत में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या होगी। सर्वे में कहा गया है कि सिंचाई जल पर तुरंत विचार करने की जरूरत है ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ सके। गुजरात में राज्यसभा उपचुनाव आज। बीजेपी उम्मीदवार विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकुर की जीत लगभग तय। अमित शाह और स्मृति ईरानी की सीट हुई थी खाली। महाराष्ट्र में इंजीनियर को कीचड़ से नहराने के आरोपी विधायक नितेश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नितेश राणे गुरुवार को मुंबई गोवा हाईवे के पास बने एक पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने इंजीनियर प्रकाश शेटकर के साथ बदसलूकी की और उन पर कीचड़ डलवा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने विधायक बेटे नितेश राणे की हरकत के लिए माफी मांगी। नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने के मामले में बीजेपी के अनुशासन समिति ने विधायक आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश की हरकत पर पीएम मोदी ने भी गुस्सा जताया था और बिना नाम लिए डांट लगाई थी। इंदौर के गंजी कंपाउंड का जर्जर विवादित मकान कोर्ट की इजाजत के बाद आज तोड़ा जाएगा। इसी इमारत को गिराने से रोकने के लिए आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारी की बैट से पिटाई की थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बीच कल कोलकाता में इस्कॉन टेम्पल पहुंची सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद नुसरत जहां, मंदिर में पूजा भी की। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा, मैं जन्म से मुसलमान हूं और अब भी मुसलमान हूं। कोलकाता में नुसरत के खिलाफ फतवा की खबर।
कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी योगी सरकार। मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपियों को बरी किया गया था। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। 2003 को हुए इस हत्याकांड में निचली अदालत ने 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने वाला है। 17 जुलाई को आ सकता है फैसला। आतंकी सरगना हाफिज सईद पर पाक की कार्रवाई पर भारत ने कहा कि वो अधूरे एक्शन से झांसे में नहीं आने वाले, ये सिर्फ दिखावा है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके 12 करीबियों के खिलाफ पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के 23 केस दर्ज किए गए हैं। 22 जुलाई को हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात। पीएम बनने के बाद पहली बार अमेरिका जाएंगे इमरान। पाकिस्तान 8 नवंबर 2019 को अपनी तरफ से खोलेगा ऐतिहासिक करतारपुर कॉरिडोर। पाक पीएम इमरान खान करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तान में सिखों के पवित्र तीर्थ करतारपुर साहिब तक जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण का काम 90% पूरा हो चुका है। पंजाब के सभी जेलों में ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, अमरिंदर सरकार ने ऐलान किया। मुंबई एयरपोर्ट पर गोवा जाने वाली फ्लाइट की देरी से नाराज हुए यात्री। फ्लाइट में 4 घंटे की देरी होने से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई के पवई में चलती कार में आग लगी, बाल बाल बची कार में सवार इतने गाला की जान। यूपी में मेरठ में हिंसा के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। हस्तिनापुर इलाके में ग्राम प्रधान के चुनाव में अनुसूचित जाति के बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या के बाद से है तनाव। मेरठ में आरोपियों ने शव को मृतक बुजुर्ग के घर पर ही फेंका। मृतक के घर वालों के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग को घर से बुलाकर ले गए थे। मेरठ में बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जाति विवाद होने से इलाके में बढ़ा तनाव। दिल्ली के गोविंदपुरी में ओडिशा से लाया जा रहा 2 क्विंटल से ज्यादा का नारकोटिक्स हुआ बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में बेखौफ बदमाश रंगदारी के लिए वेलकम इलाके में खुलेआम हथियार लहराता हुआ दिखा सलमान नाम का बदमाश। पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर दबंग टोल टैक्स नहीं भरते हैं और टोल कर्मियों से मारपीट भी करते हैं। घटनाएं सीसीटीवी में कैद। यूपी के बागपत में ईंट के भट्टे पर एक मुनीम ने दूसरे मुनीम की हत्या की। आरोपी हत्यारा फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी की राजधानी लखनऊ में महफूज नहीं है महिलाएं। सीएम आवास से चंद दूरी पर युवती से छेड़छाड़। नशीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने के बाद भागे आरोपी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और ग्रामीणों की खुली बैठक पर अराजक तत्वों ने किया पथराव। हमले में एक पुलिसकर्मी सहित कई ग्रामीण जख्मी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के गया में नशे में धुत होकर लंबे समय से स्कूल पहुंच रहे टीचर का गांव वालों ने बनाया वीडियो। बाद में पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार भी किया। पटना में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर की लाखों की लूट। सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक मां अपने बेटे से वापस घर लौटने की कर रही है अपील। कुछ दिन पहले ही बेटे की बंदूक के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4 दिन तक स्कूल न आने पर टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई। टीचर का वीडियो बना रहे लोगों पर भी स्कूल मैनेजमेंट पर हमला करने का आरोप। बेंगलुरु में साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर 300 से ज्यादा लड़कियों की फोटो इकट्ठा कर उनको पॉर्न साइट पर डालने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की आहट, बदला मौसम। गुरुग्राम में बारिश हुई। दिल्ली में भी बूंदाबांदी से थोड़ी बहुत राहत। यूपी के आगरा में पहली बारिश ने ही खोली प्रशासन के इंतजाम की पोल। शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को ही परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हो रही बारिश से स्थानीय लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम बदलने से किसानों के चेहरे भी खिले। जम्मू कश्मीर में भी मॉनसून के बादल बरस रहे हैं। उधमपुर में कल जमकर बारिश हुई। मुंबई में 3 दिनों से लापता युवक के नाले के पास मिली लाश। पिछले दिनों तेज बारिश के चलते पानी में डूबकर मौत की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में बोध विहार कॉलोनी में सरकारी नल से निकल रहा है गंदा और पीला पानी, लोग परेशान। देशभर में कल जगन्नाथ यात्रा की रही धूम। ओडिशा में के पुरी समेत कई राज्यों में जय जगन्नाथ के नारे गूंजे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। पहले जत्थे में 304 हज यात्री शामिल।
नई दिल्ली कानपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा ट्रायल कल पूरा, ट्रेन से 4 घंटे का होगा सफर। यूपी के गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में रेल कोच को नया कलेवर देने का काम शुरू, कोच को लाल और सुनहरे पीले रंग में नया रूप दिया जा रहा है। विश्व कप में अपने आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान को हराकर वेस्टइंडीज ने जीत के साथ की विदाई, ये दोनों टीमें पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी थी। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 311 रन बनाए, जिसके बाद अफगानिस्तान टीम 288 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने जड़े 8 शतक, शाई होप ने 77, इवन लुइस ने 58 और निकोलस पूरन ने 58 रन बनाए। विंडीज टीम के पेसर कार्लोस ब्रैथवेट ने 9 ओवर में 63 रन देकर झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। अफगानिस्तान टीम के लिए इकराम अली ने 86 और रहमत शाह ने 62 रन बनाए, लेकिन ये टीम को जीत नहीं दिला पाए। विश्व कप में अफगानिस्तान अपने सभी 9 मैच हार गई, जबकि वेस्टइंडीज सिर्फ 2 मैच ही जीत सकी। विश्व कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 316 रनों से मैच जीतना जरूरी। आज पाकिस्तान अगर 400 रन बनाकर बांग्लादेश को 84 रन के भीतर समेटे, तभी सेमीफाइनल का टिकट होगा पक्का। अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की तब भी पाक का खेल खत्म हो जाएगा। विश्व कप में भारत का आखिरी लीग मैच कल, श्रीलंका से लीड्स के मैदान पर होगी भिड़ंत, तो भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। श्रीलंका से मैच से पहले टीम इंडिया ने लीड्स की सड़कों पर की मस्ती, हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें धोनी, ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं। आखिरी मैच से पहले श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि भारतीय गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन श्रीलंका के मैच में उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। इंग्लैंड के लीड्स में भारत श्रीलंका मैच के लिए सुरक्षा कड़ी की गई, पाकिस्तान बांग्लादेश मैच से पहले 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत के एथलीट हिमा दास ने पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, हिमा ने 23.65 सेकंड में ये रेस जीती। विंबलडन में उलटफेर का दौर जारी, 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और 22वें नंबर के स्विट्जरलैंड के वावरिंका बाहर, अमेरिका के गैर वरीयता वाले खिलाड़ी विले ओपलेका ने कड़े मुकाबले में हराया। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंचे, दोनों ने सीधे सेट में अपने विरोधियों को हराया। पहले राउंड में विनस विलियम्स को हराकर सनसनी मचाने वाली 15 साल की अमेरिकी खिलाड़ी कोरी गॉफ भी तीसरे दौर में पहुंची, अपने से दोगुने उम्र की स्लोवाकिया की रिबारिकोवा को हराया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में 6.4 तीव्रता से आए भूकंप के झटके कोई हताहत नहीं। पश्चिमी पूर्व चीन में आए तूफान के बाद 5 लोगों की हुई मौत, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चीन के जेंजियांग में आई बाढ़ के दौरान समर कैंप में फंसे 58 स्टूडेंट्स और टीचर्स को करवाया गया रेस्क्यू।